अश्विनी वैष्णव जयपुर प्रवास पर रहे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गांधीनगर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। गांधीनगर रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण कार्य जारी है और वैष्णव ने रेलवे अधिकारियों के साथ गांधीनगर स्टेशन की बन रही नई बिल्डिंग को देखा और इसके बाद वो सवाईमाधोपुर के लिए रवाना हो गए। इस पर एक रिपोर्ट तैयार किया, दिखाएंगे आपको। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर प्रवास के दौरान गांधीनगर रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। इस दौरान रेलवे सुरक्षा बल के आईजी ज्योति कुमार सतीजा ने रेल मंत्री को नए सुरक्षा दल की कार्यशैली की जानकारी दी। वहीं रेल मंत्री ने स्टेशन के मॉडल के अनुरूप हो रहे विकास कार्यों की जानकारी ली। इसके बाद दूसरी मंजिल पर बनाए जा रहे एयर कॉन्कोर्स का जायजा लिया। एयर कॉन्कोर्स रूफ प्लाजा के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे कि रेलवे स्टेशन के दोनों प्लेटफॉर्म जोड़े गए हैं। इसकी लंबाई 72 मीटर है। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के प्रमुख रेलवे स्टेशंस का पुनर्विकास किया जा रहा है। ये विश्व को सबसे बड़ी स्टेशन रीडेवलपमेंट परियोजना के तौर पर एक सौगात के तौर पर देखा जा रहा है। गांधीनगर स्टेशन शहर के दोनों तरफ के हिस्सों को जोड़ने का काम करेगा। ये रूफ प्लाजा इंजीनियरिंग की बहुत बड़ी मिसाल है। यहाँ यात्री प्रतीक्षा कर सकेंगे, बच्चे खेल सकेंगे, लोग शॉपिंग कर सकेंगे। इस मौके पर रेलवे महाप्रबंधक अमिताभ और डीआरएम विकास पुरवार ने स्टेशन निर्माण के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गांधीनगर का पुनर्निर्माण 210 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से हो रहा है। स्टेशन पर 9 लिफ्ट लगेंगी और 4 एस्केलेटर लगाए जाएंगे। दिव्यांगजनों के लिए प्रत्येक हिस्से में विशेष सुविधाएं होंगी। मुख्य द्वार की बिल्डिंग 3 मंजिला और द्वितीय प्रवेश द्वार की 2 मंजिला बिल्डिंग होगी। आगमन और प्रस्थान के लिए अलग अलग लॉबी की व्यवस्था होगी। 37x72 मीटर की चौड़ाई और लंबाई का रूफ प्लाजा बनाया जा रहा है। बैगेज स्कैनर, मेटल डिटेक्टर सिस्टम के साथ यहां पर सुरक्षा जांच क्षेत्र भी बनेगा। वेटिंग रूम, एग्जीक्यूटिव लॉन्च, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉड्यूलर टॉयलेट्स, बेबी फीडिंग रूम, टिकट काउंटर्स के साथ ही हॉल और बुकिंग कार्यालय भी होंगे। पूरी तरह से ग्रीन बिल्डिंग होगी और 1400 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट भी यहां पर लगेगा। ऐसे ही करीब करीब पूरे प्रदेश के सभी स्टेशनों में कुल मिला के करीब 8000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। करीब करीब 8000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। एक रूफ प्लाजा बनाओ, यानी पटरी और प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर एक छत जैसी चीज बने, छत बने जो कि इधर के लोग इधर आ सके आराम से और इधर के लोग आराम से उधर जा सके, यानी शहर के दोनों हिस्से जुड़ जाए। तो उसका भी पहला काम चालू हुआ अपने गांधीनगर स्टेशन में। गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण कार्य का जायजा लेने के बाद अश्विनी वैष्णव जयपुर से सवाई माधोपुर के लिए रवाना हो गए। अश्विनी वैष्णव ने यहां सवाई माधोपुर रूट का विंडो ट्रेलिंग इंस्पेक्शन किया, रूट के स्टेशंस और रेलवे ट्रैक का जायजा लिया। वहीं सवाई माधोपुर से इंद्रगढ़ सुमेरगंज मंडी स्टेशन तक कवच 4.0 सुरक्षा प्रणाली का ट्रायल रन भी प्रस्तावित था। रेल मंत्री ने बताया कि रेल हादसों को रोकने की दिशा में ये प्रणाली बहुत कारगर है। इससे ट्रेनों के आमने सामने की होने वाली टक्कर की नौबत नहीं आएगी। गांधीनगर स्टेशन पर निरीक्षण के दौरान रेल मंत्री के साथ राज्य के विधि मंत्री जोगाराम पटेल और जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा भी मौजूद रहीं। काशीराम चौधरी, जी मीडिया, जयपुर।